नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार सुमन आपका अपना चैनल सक्सेस विद सुमन KBS में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं अपने इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा कि मैंने इंटरव्यू में कैसे कैसे हमसे प्रश्न पूछे गए थे और मैंने उसका जवाब कैसे दिया था और कौन कौन से पैनल मेंबर्स हमारे बोर्ड में थे, फीमेल थी कि नहीं थी और मेरा इंटरव्यू कहाँ पे हुआ था और मेरे रिटेन में कितने मार्क्स थे और फिर इंटरव्यू में कितने मार्क्स हुए और मेरे साथ क्या क्या घटनाएं घटी, इन सारे चीज़ों का मैं आज आप लोगों के साथ मैं निष्ठा और ईमानदारी के पूर्वक मैं सारा बात बताऊंगा, क्योंकि मुझे हमेशा से अपनी सच्चाई पे इतना भरोसा है कि कुछ भी हो जाए हम अपने सच्चाई के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इसीलिए तो एक छोटा सा कोट है कि लक्ष्य एक है, लक्ष्य एक है और रास्ते अनेक है। कभी एक रास्ते बंद भी हो जाए तो रास्ते बदल देना लक्ष्य नहीं। अर्थात आप अपने लक्ष्य के प्रति इतना निष्ठा और ईमानदारी और विश्वास के साथ उससे प्यार करिए, उसे पाने के लिए प्रयास करिए कि चाहे आपके रास्ते अचानक कोई उसमें बाधा आ जाए उस रास्ते में, तो आप उस रास्ते को चेंज कर सकते हैं लेकिन उस लक्ष्य को नहीं। क्योंकि रास्ते किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए अलग अलग, जिस तरह से मेथड्स होते हैं उसी तरह से अलग अलग आपके टारगेट को अचीव करने के वेज भी हो सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जब मेरा रिटेन का एग्ज़ाम होने वाला था, 15-20 दिन मेरे रिटेन के एग्ज़ाम में थे, तो मैं चूंकि मैं दिल्ली में रहता था और मैं ट्यूशन पढ़ाता था बहुत, मैं दिल्ली के एक एक गली में ट्यूशन पढ़ाया हूँ लगभग कई वर्षों तक। तो मैं ट्यूशन पढ़ाने जा रहा था, तो आप लोग अगर दिल्ली से होंगे या कोई बच्चे दिल्ली के बारे में जानते होंगे तो एक वजीराबाद क्रॉसिंग है, अब तो वहाँ पे फ्लाईओवर बन गया है, तो उधर से गाड़ी आती है और इधर से जाती है, सिर्फ डिवाइडर था, ओवर फ्लाईओवर नहीं था, जिसके वजह से हम लोग को थोड़ा सा बहुत सतर्कता और बहुत तीव्रता से क्रॉस करना होता था। तो मैं ऐसे ही, दोपहर का समय था, धूप था और मैं पास कर रहा था, तब तक अचानक डिवाइडर में मेरे घुटने में चोट लग गई और मैं डिवाइडर के बीच में गिर गया। और जैसे ही मैं गिरा तो मेरे 2-3 मिनट कैसे गुजरे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि आज लक्ष्य है एक लेकिन रास्ते अनेक है, रास्ते बदलना है लक्ष्य नहीं। तो दोस्तों, मैं बीच में एक ईंट लेकर बैठ गया वहाँ पे, 2 मिनट के बाद जब होश आई तो मैं बैठ गया था, होश आया था तो, और कम से कम उस रास्ते से 20-25 लोग उस डिवाइडर को क्रॉस कर रहे थे लेकिन ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जो हमसे एक बार आकर पूछे कि भाई आपके साथ क्या हुआ है, आप पूरे पसीने पसीने हो गए हैं, आखिर क्या दिक्कत है। जब उस मोमेंट को मैं याद करता हूं तो मैं बहुत भावुक हो जाता हूं, बहुत इमोशन में चला जाता हूं कि जिसने भी कहा होगा कि इस पूरे संसार के भीड़ में मैं अकेला हूँ, सिचुएशन इंसान को अकेला बना देता है और इंसान तड़पते रहता है कि उसके साथ कोई आए, लेकिन अगर आपके साथ आपका समय नहीं है, समय आपके साथ नहीं दे रहा है तो इंसान कभी भी आपको साथ नहीं देता है। मेरे बुआ जी के लड़के हमारे यहाँ आए थे, 15-20 दिन से थे, वो भी स्टडी कर रहे थे, तो मैंने उनको कॉल किया, तो जैसे मैंने कॉल किया तो उनको समझ में आ गया, क्योंकि मेरी आवाज़ें, मेरी जुबान लड़खड़ा रहे थे, तो वो बहुत जल्दी से
15 मिनट के अंदर में आ गए। तो मैं उसी डिवाइडर के बीच में बैठा था एक ईंट के सहारे, और मैं इंतजार कर रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा माँ, कोई ऐसा भाई, कोई ऐसा बहन या कोई ऐसा विद्यार्थी, कोई जानने वाला या अनजान भी आकर मेरे से एक बार पूछे मेरी हाल खबर कि मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन ऐसा कोई नहीं किया। तो मैं उसमें उस मोमेंट को नहीं भुलाता हूँ, और इसलिए लोग नहीं किए क्योंकि दिल्ली, मैं किसी पे ब्लेम नहीं लगाना चाहता हूँ क्योंकि सभी लोग बहुत भाग दौड़ के ज़िंदगी जीते हैं और सब लोग का अपना रूटीन है। शायद किन्हीं का मेरे पे नज़र नहीं पड़ा हो या किसी कारणवश किन्हीं का पड़ा हो, लेकिन हमसे ज़्यादा ज़रूरत वाला कोई व्यक्ति या कोई ऐसा काम हो जिसकी वजह से हमको इग्नोर कर दिए हों, तो मैं किन्हीं भी किसी भी शर्त में मैं किसी और पे मैं किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाता हूँ, क्योंकि जब मैं खुद असमर्थ हूँ तो समर्थ पे क्यों आरोप लगाऊंगा। मात्र 14 दिन एग्जाम का है, मेरे घुटने अब काम नहीं कर रहा है। मेरा भाई आया, मुझे देखा तो बैठकर रोने लगा। मैं भी रो रहा था, वो भी रो रहा था। छोटा भाई है, बुआ जी का लड़का, मैं उसको संभाला और एक रिक्शे वाले को बुलाया, और रिक्शे वाले और मेरे बुआ जी के लड़का जिनका नाम दिलीप है, वे दोनों लोग हमको उठाकर रिक्शे पे बैठाए और दिल्ली के वजीराबाद से थोड़ा आगे जाने पे एक चौकी है और वहीं पे एक कायाकल्प हॉस्पिटल है, वहाँ पे हमको ले गए दोनों लोग। फिर मुझे दिखाए, फिर वहाँ पे चूँकि स्वेलिंग हो गया था पैर में, तो वहाँ के जितने भी अटेंडेंट थे, डॉक्टर तो थे नहीं, डॉक्टर तक इस बात को जाने नहीं दिया गया। बोले कि इतना स्वेलिंग में आपका एक्सरे नहीं होगा, अगर एक्सरे होता है तो सही से इसका रिपोर्ट नहीं आएगा। फिर मैं वापस रूम पे आ गया, चूँकि रूम मेरा फर्स्ट फ्लोर पे था और दिल्ली की सीढ़ी थोड़ा बहुत संकीर्ण होता है, स्टेप उसके थोड़ा हाई होते हैं, चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रहा था। फिर भी भाई जैसे तैसे करके दीवार पकड़ के मैं अपने रूम में गया और बेड पे बैठा, पानी पिया और यही सोच रहा था कि मेरे एग्ज़ाम के साथ ऐसा मैंने क्या कर दिया था या क्या कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैं बहुत बड़ा गलती किया हूँ किसी के साथ, किसी को धोखा दिया हूँ या कुछ ऐसा किया हूँ जिसके वजह से मेरे साथ इस तरह का हादसा हुआ। दोस्तों, आपको यकीन करना होगा, ये आपका भाई कभी झूठ नहीं बोलता है। फिर 2-3 दिन के बाद हम डॉक्टर के यहाँ गए, फिर वहाँ पे एक्सरे हुआ, एक्सरे में कुछ भी नहीं आया, लेकिन इतने पेन हो रहे थे पैर में, पैर मेरा काम नहीं कर रहा था, मैं पैर पे दबाव नहीं डाल रहा था। जैसे तैसे दवाई के सहारे मैं अपने स्टडी को कंटिन्यू रखा और जितने जगह ट्यूशन पढ़ाने जाता था उन सभी लोगों को मैंने अपनी वास्तविक बात बताकर, और 1 महीना के लिए मैंने सबको छोड़ दिया था उस समय, और मैं धीरे धीरे किताब पढ़ने लगा था। पैर में पेन के बावजूद भी मैं पढ़ता था क्योंकि मैं किसी कोचिंग में या कहीं पे नहीं गया था, मैं खुद पढ़ता था। जितने मेरे पास पढ़ाने के बाद टाइम बचता था तो मैं ईमानदारी के साथ पढ़ता था। अब चूँकि मेरा एग्जामिनेशन सेंटर नारायणा केंद्रीय विद्यालय 2 है, वहाँ पे पढ़ा था, और मुझे यहाँ से जाना था, आप जानते होंगे एक जगह है वजीराबाद में संगम विहार, संगम विहार से मुझे जाना था नारायणा केंद्रीय विद्यालय नंबर 2, और मॉर्निंग का समय, मेरे पैर में पट्टी लगे हुए हैं। फिर मैंने एक अपने दोस्त
को कॉल किया और अपनी सारी समस्या को बताया। वो भी विद्यार्थी ही हैं, अभी अभी तक वो सिविल की तैयारी कर रहे हैं। फिर वे किसी के बाइक का अरेंजमेंट करके और मुझे बाइक पे दोनों मिलके बैठाए और जैसे तैसे हमको सेंटर पे ले गए। फिर भी मेरे मन में कहीं से भी ये हतोत्साहित वाला शब्द या हतोत्साहित जैसा फीलिंग नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे अपने आप पे भरोसा था कि मैं किसी के साथ गलत नहीं किया हूँ, तो मेरे साथ भी ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। इसके साक्षात मैं भगवान को मानकर अपनी मेहनत को कर रहा था। और एक्सटर्नल प्रॉब्लम तो आते जाते रहते हैं, इससे अगर मैं अपने लक्ष्य को छोड़ दूं तो इसमें किसी का दोष नहीं है मेरे अलावा, इसलिए मैं बहुत दृढ़ संकल्प के साथ पढ़ाई कर रहा था। समस्या थी, भाई थे हमारे, हेल्प कर रहे थे, मुझे कहीं आना जाना नहीं था। और शायद इस पैर के टूटने की वजह से मैंने 14 दिन में कम से कम सारे सिलेबस को 6-7 बार पढ़ गया था। शायद ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी था। और मैं जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठा तो एक एक क्वेश्चन मुझे याद थे, लगभग 100 क्वेश्चन मुझे कंप्लीट, एक से एक घंटा 10 मिनट में मैं 100 क्वेश्चन 100% ऐसा लग रहा था कि मैं अभी करके आया हूँ उसको कर दिया था। और बाकी के क्वेश्चन भी मैंने बहुत ही आसानी से किया और मुझे उसी समय लग गया कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। फिर मैं रिटर्न का देकर आया और रिटर्न देकर आया, उसके बाद मुझे मालूम था कि हो जाएगा, लेकिन चूंकि ऐसे ऐसे बच्चों का कमेंट आ रहा था ग्रुप में कि मेरा 150 में 142 सही है, मेरा 148 सही है, तो आई वॉज डिप्रेस्ड दैट टाइम, आई कॉनट सिक्योर माई रैंक इन केंद्रीय विद्यालय संगठन ड्यू टू द लो मार्क्स। पर जिन लोगों ने इतने लंबे लंबे बातें कर रहे थे उन लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ और मेरा रिजल्ट हुआ, मुझे बहुत खुशी मिली। मैं भगवान को अपने हृदय से प्रार्थना किया कि आज एक स्टेप अपने लाइफ का सफलता की ओर बढ़ाया हूँ और अगले स्टेप के लिए मैं फिर से तैयारी करना शुरू कर दिया। चूंकि मैं पढ़ा रहा था तो चूंकि होम ट्यूशन में मैं पढ़ा रहा था तो मुझे बोर्ड पे लिखने की आदत नहीं थी, लेकिन मैं प्रैक्टिस कर रहा था कि मुझे कैसे कैसे क्या करना है, मुझे मालूम था और सेल्फ करना था तो मैं कर रहा था। फिर जैसे तैसे मैं, चूंकि मैं सेल्फ डिपेंडेंट था, मुझे अपने खर्च खुद से चलाने होते थे और ट्यूशन बहुत अनिवार्य था, तो मुझे फिर दिक्कत ऐसा लगा कि होने लगेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे तैसे मैंने अरेंजमेंट किया और कम से कम इंटरव्यू तक मैं कोशिश किया कि अब कहीं नहीं जाऊंगा पढ़ाने और सेल्फ स्टडी करूंगा। तो अब मैं आपको यहाँ तक की बात इस क्लास में मैं रखूंगा, रिटेन तक का अपना पर्सनल बात आपके साथ। दूसरे वीडियो में मैं आपको इंटरव्यू का बात बताऊंगा, इंटरव्यू के एक एक मोमेंट को आपको जिलाऊंगा कि मैंने कैसे जिया है, कैसे सेलिब्रेट किया है। तो आज मुझे यह उम्मीद है कि आप मेरे कहानी को सुनकर, आप मेरे आप बीती को सुनकर, कठिन से कठिन समस्या आने के बावजूद भी आप अपने रास्ते को बदल सकते हैं, अपने लक्ष्य को नहीं, क्योंकि मैं मेरे साथ जो हुआ वो किसी के साथ नहीं हो सकता और नहीं होना चाहिए। मैं आप सब लोगों से, भगवान से विनती करता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं हो। और जब मैं इस कठिन परिस्थिति में भी अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा तैयार रहा, लड़ते रहा
मेहनत करते रहा, परिश्रम करते रहा, तो आप लोग तो अब इसके पार हो गए हैं। अब कुछ ही दिनों में आपके रिजल्ट आएंगे, उसके बाद आपको दूसरे डेमो टीचिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए मैं शुरू कर ही दिया हूँ। और इस तरह का आपके साथ कोई समस्या ना आए, इसी को ध्यान में रखकर मैं इस चैनल को बनाया हूँ। तो शायद आप लोग अगर इस आप बीती को सुने होंगे तो महसूस कर रहे होंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस तरह के भी समस्या स्टूडेंट के साथ आता है। और वो समस्या को साइड में रखते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, उन्हीं में से एक मैं हूँ। तो आगे का मैं बात आपको अगले वीडियो में बनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।